नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तू फिकर मत कर, आगे आगे देखता चल। जिमी उस्ताद, हाँ, आज अपनी सल्तनत में सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ना कोई मंत्री है, ना कोई संतरी, ना चौकीदार, ना पहरेदार। क्यों? मैं तो बोलता हूँ खबरदार, कोई खतरा दिखाई दे रहा है। पतली गली से निकल चलो, साइकिल अभी कब्जे में है। देखो ये मट्टी चार रास्ते इधर काय को आ रहे ले। कौन है? हाँ ये है। हेलो एवरीबॉडी। जिमी उस्ताद, हम भी सोच रहे थे कि हमारे स्वागत के लिए क्यों कोई मौजूद नहीं है। है ना? क्यों जानी मेरे, क्या हाल है तेरे? ठीक है, मेरा भाड़ा सारी हवा निकाल दूंगा। मजा कर, मजा कर। लेकिन एक बात है जिमी उस्ताद, इम्पाला से कम नहीं। हाँ इम्पाला क्या चीज है, कम्पाला से कम नहीं है। तो अरे भगवान, दादा जरा माफ करना, जरा आपने को आने में देरी हो गई। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बारे में क्या ख्याल है? दादा आपके बारे में तो इतना ख्याल है कि ये देखो आपके कपड़ों की अभी तक कड़क की कड़क है, लेकिन ये बिगड़ भी सकती है। सेठ जानकी दास जी, इनके राशन का बिल दिया कि नहीं अभी तक? हे विजय बाबू, क्या बकता है, कभी पुलिस देखी है? तो क्यों दिया नहीं बिल इनका तूने? अरे यार खैर छोड़ो इन बातों को, 13 दिसंबर को तो दे ही देंगे, और वो भी सूद के साथ। अरे नहीं भाई, रहम दिल कसाई भाई। अरे इनको समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं, बड़े समझदार आदमी है ये। रहम दिल है ना, समझदार है। लेकिन हनुमान प्रसाद जी का कमाल तूने अभी तक नहीं देखा, अगर इनके दूध का कमाल देखना हो तो देखो मेरे हाथों का जमाल। अरे एकदम लोखंड हो रहा है, वाह वाह, इनसे भी ज्यादा समझदार है। हमका समझावत है, हमका बेवकूफ बनावत है, आज हम तुम दोनों को समझाई दे। अरे हनुमान प्रसाद जी, समझने समझाने की बातें तो होती रहेंगी, क्यों जिमी उस्ताद? हाँ गुरु। उस्ताद जरा इधर आ जाओ, आज इनके समझाने का स्टाइल कुछ बहुत खतरनाक है। अपन दो है और ये पांच है, ने टॉर्चे भी बहुत लंबी लंबी है। मैं तो कहता हूँ निकल लो इधर से, पतली गली से। नहीं मगर मैदान खुला हुआ है, पकड़ लो इन बदमाशों को। अरे अरे छोड़, अरे हमका छोड़ दे, अरे हमका छोड़ दे, अरे हमका छोड़ दे। अरे इतना भी क्या जल्दी, कपड़े तक पी गए। अरे कपड़ों को मारो गोली, ये बताओ मेरे देश की गरीबी कब दूर होगी? अरे मारा बाप, ये तो कोई बहुत बड़ा लीडर मालूम होता है। अरे गरीबी तभी दूर होगी जब तू पीना छोड़ देगा। छोड़ देगा अबे, जब होगी तब, अब तू निकाल। अरे वो पांच टॉर्च वालों से तो बच गए, पर वो रहीम खान का धंधा अभी बाकी है। अरे वो हमेशा की तरह बाहर से ताला देख के लौट जाएगा। लेकिन जिमी उस्ताद, इससे पहले के लोग हमको अपने इस पोजीशन में देखें, तू अपनी पोजीशन पे आ जा। कसम 36 नंबर के पानी की, अपनी ये पोजीशन कभी बदलेगी? बदलेगी, बदलेगी। 13 दिसंबर को। अरे मारा भा, वो तो मेरे ऊपर से अंदर चला गया, पर अभी मैं अंदर कैसे जाऊंगा? सब ठीक है, पर ये तो बताओ मेरे देश की गरीबी कब दूर होगी? अबे तू, जब तक तू धरती माँ को नमस्कार नहीं करेगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। धरती माँ को नमस्कार कर और चमत्कार दे। अरे अपनी भी क्या किस्मत है जिमी उस्ताद, हर सुबह हिमपाला गाड़ी में घूम रहे थे और शाम को इस अंधेरे में भटक रहे हैं, और ये सब साले उस रहीम खान की बदौलत है। बस ने पैसे मांग मांग के परेशान कर दिया है। भला सोचो, अरे इन सब लफड़ों की वजह से अपने जैसे शरीफ आदमी को भी ये सब धोखेबाजी के काम करने पड़ते हैं। ला माचिस दे। आए ले अपनी माचिस ले। भाई रहीम, नहीं नहीं रहीम, रहीम खान साहब, भाई जी आप जी, हम
आज हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। क्या रहीम खान भाई साहब जी, आप इतना लंबा चौड़ा आदमी होकर छोकरी के माफिक बोलता है? अरे छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगा। अरे जरा मर्द बनो मर्द। सोचे तुम कान की मर्दानगी को ललकारती है? तुम क्या समझती है कान की आंखों में मिर्ची डाल के तुम उसको धोखा दे सकती है? हमको किराया मांगते ही, अभी मांगते ही, इसी वक्त मांगती है, निकालो। कसम 36 नंबर के पाने की, पहले मेरी गर्दन तो फ्री करो, मेरा नड्डा फसेला है, फिर लेन देन की बात करेंगे ना। अभी बोलो। तुम बोली किराया निकालो, यही बोली ना? हाँ, कान को किराया मांगती, अभी इसी वक्त मांगती, निकालो। तो भाई ठीक है, हमारे पास किराया नहीं है, हमको निकाल दो। तो फिर निकलो। अरे निकलेंगे कि डर से, बाहर ताला लगेला है, न चाबी छत के ऊपर है। अभी खान साहब एक काम करो, तुम खिड़की में से बाहर जाओ, न ऊपर जाके चाबी लो, न ताला खोल के अंदर आओ। कसम 36 नंबर के पाने की, हम लोग फौरन निकल जाएंगे। ये खुदा कसम आज तुमको निकालेगी। चलो पहले तुम हमको खिड़की से बाहर निकालने में मदद करेगी, फिर हम तुमको दरवाजे से बाहर निकालेगी। ये काम जरा मुश्किल है रहीम खान साहब भाई जी। क्या बोली? ये बोली नहीं बोला खान साहब, मगर काम बहुत भारी है, तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे को झुकना पड़ेगा, ने हम पैसा लिए बगैर किसी के आगे झुकते नहीं है। क्या मुसीबत है कोचे, नहीं तुम निकलेगी नहीं हम बाहर निकलेगी, तो फिर फैसला कैसे होगी? अरे आप पठान हैं, और पठान लोग दूसरों को झुकाने के लिए अपनी गर्दन कटा देते हैं, आप अपनी जेब नहीं कटा सकते रहीम खान साहब भाई जी। देखो कोची, हमारी जेब में सिर्फ 5 रुपया है, इस 5 रुपए से हम एमा मालिक का फिल्म देखेगी, फिर जेब कैसे कटाएगी? ठीक है, तो ऐसा करो, 3 आपके नहीं, 3 मेरे, 2 आपके, 3 2 5 बराबर है। 2 मेरे 1 बराबर है, ठीक बोलती है। अच्छा तो लो खान साहब, अभी जल्दी से मेरे ऊपर चढ़ो, ने बाहर निकलो। ऐसा कैसे लोग हमारी जिंदगी में आती है? ये झुकी है वो जी, आज चाबी ढूंढेगी, हमारा पैसा वसूल करेगी। किधर है चाबी? ये चाबी, आज दोनों को बाहर निकालेगी, हमारा पैसा मिलेगी। अरे ये कैसा चाबी, कैसा ताले? नकली चाबी है। नकली? अच्छा अच्छा, लेकिन तुम लोग को कैसा मालूम? हम लोगों ने रखी थी। तुम लोगों ने रखा? अच्छा, निकले और चाबी खो जाए। कोची तुमको ही मामाली का कसम, तुमको पिता का कसम, रुको वे। अल्लाह तू पाक परवरदिगार है, सबके गुनाह बख्शने वाला है। सीबू भैया मेरी बुक, सीबू भैया मेरा पैजामा। हाँ हाँ लाया हूँ, लाया हूँ मैं, सबके लिए लाया हूँ। ये बच्चों में बांट दीजिए, और वो पैजामा भी। आपकी गैर हाजिरी में गोगा पहलवान आया था। वो कुत्ता यहाँ आया था क्यों? वो कह रहा था कि आपने उसके जुए के अड्डे को कब्रिस्तान बना दिया है। अगर वो कमीना वहां होता तो मैं उसकी कब्र भी वहीं बना देता। सलमा तुम तो जानती हो मुझे ऐसे लोगों से कितनी नफरत है। मोहब्बत किससे आपको? बचपन से ही आपके पाँव में चक्कर देखा है और हाथ में पत्थर। सलमा तुमने वो तड़प नहीं देखी, वो चिंगारी नहीं देखी जो बचपन से लेकर आज तक मेरे सीने में सुलगती है। बचपन में एक छोटी सी भूल की वजह से मैं अपनी मां को अपने हाथों से खो बैठा, उस वक्त से लेकर आज तक मुझे अपने आप से नफरत है। क्या आप अपनी जिंदगी बदल नहीं सकते? मां की ममता के बगैर जिंदगी कैसी होती है, उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों के सामने है सलमा। इसलिए जब भी कोई इंसान एक बच्चे को उसकी मां से छीनना चाहता है, मैं उसे कुचल के रख देना चाहता हूं। साथियों आज मैंने आप लोगों यहां इसलिए बुलाया है कि एक प्लान जिस पर मैं साल भर से काम कर रहा था अब पूरा हो गया है, और अब वो वक्त आ गया है कि वो प्लान मैं आप लोगों के सामने पेश कर दूं। यह है सेठ स्वरूप चंद जौहरी की दुकान का बाहरी हिस्सा, और ये है सेठ स्वरूप चंद जौहरी। गौर से देख लो, ये हैं वो हीरे जवाहरात
जिन्हें हमें हासिल करना है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इन हीरे जवाहरात की कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है। अब मैं आपको वो दो मुश्किलें दिखाऊंगा जिनको हल किए बगैर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली मुश्किल है ये अलार्म। इस अलार्म का कनेक्शन नजदीकी पुलिस स्टेशन के साथ है। अलार्म के बजते ही 3 मिनट पुलिस दुकान में पहुंच जाएगी, इसलिए हमें अपना पूरा मिशन 3 मिनट के अंदर खत्म करना होगा किसी भी हालत में। अब मुश्किल नंबर दो, यह इस दुकान का चौकीदार भैरव प्रसाद, बहुत ईमानदार आदमी है, इसे नहीं खरीदा जा सकता। दिन रात जागता रहता है, इसलिए इसे हमेशा की नींद सुलाए बगैर हम 50 लाख के डाके में कामयाब नहीं हो सकते। आप कहना चाहते हैं हमें इसका खून करना होगा? अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन आप जानते हैं। थमश! जो कुछ मैं जानता हूँ उस बारे में किसी की राय लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर एक मामूली आदमी के खून करने से हमें लाखों का फायदा होता है तो इसमें सोचने की क्या बात है। प्लान बन चुका है, फैसला किया जा चुका है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? 13 दिसंबर की रात ठीक 10 बजे गवर्नर साहब की गाड़ी सड़क पर से गुजरने वाली है, गवर्नर साहब को एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए। तमाम पुलिस इंतजाम में लगी होगी और हम इस गटर के जरिए अंदर ही अंदर सेठ स्वरूप चंद जौहरी की दुकान में दाखिल होंगे। तारीख याद रहे 13 दिसंबर। क्या हुआ तुम्हारा 13 दिसंबर? आएगा, जरूर आएगा। तू घबराता क्या है? आज उस बंगाली को तुम लोगों ने खूब बेवकूफ बनाया ना। अरे जिसको ऊपर वाले ने बना के भेजे रहा है हम उसको क्या बनाएगा? तू काय को भेजा खाता है? आने इधर यार बेतनी। अरे अब्दुल किधर? क्या मनता है खाने को? खाने में भेजा है, कलेजी है, गुड्डा है, फेफड़ा है, अरे जो भी है लेके आनी। लाता है दाल चावल, लाता है नहीं तो दाल मटन लाता है। लुंगी वाले का 5 रुपए लेना। पता नहीं कहां से चले आते, कड़के भूखे गिराए मेरे होटल में। कड़का खाते क्या? पैसा दिया काय को बकबक करता है? बाप मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, दो परमानेंट गिराएगा ना मेरे कड़के, उनकी बात कर रहा हूँ। हेलो, इज इट शीशमहल होटल प्लीज? हाँ होटल शीशमहल। देखिए कमरा नंबर 103 से मिस्टर विजय को बुला देंगे। क्या मिस्टर विजय? मिस्टर विजय पता नहीं साले क्या क्या चक्कर चलाते रहते हैं। अब्दुल बुला 3 नंबर से एक को। चेट फोन? मेरे कमरे में तो टेलीफोन है ही नहीं। ओ गले पे टेलीफोन है? तेरा नहीं रहे? आपका नहीं जी, आपका। तेरा टेलीफोन है यार, मानी कौन लाएगा तेरा बाप? अरे ओ हीरो, 3 मिनट के बाद बात निकालने का पैसा लगता है सेठ, पैसा टेलीफोन जाने का लगता है, आने का नहीं। देखो टेलीफोन हमारा, हमको सिखाओ मत, हम जाने का भी लेगा और आने का भी लेगा, समझा? ठीक है ना, तो जोड़ देना इसको भी फिल्म में। 13 दिसंबर को सब चुकता कर दूंगा। हेलो हेलो मिस्टर विजय, मैं मिर्जा अख्तर मिर्जा। मैं विजय बोल रहा हूँ। देखो भाई मिस्टर विजय, मुझे तुम्हारी भेजी हुई स्कीम बेहद पसंद आई, वो इस वक्त मेरे हाथ में है। ऐसा करते हैं, अच्छा बताओ कल शाम को तुम फ्री हो? जी फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं कल शाम को 6 बजे ओबेरॉय शेरटन में मिलते हैं। हाँ समझ गया, ओबेरॉय शेरटन। चाय साथ पियेंगे और साथ ही साथ सारी डील फाइनल कर लेंगे। हाँ जी ठीक है ठीक है, ठीक शाम को 6 बजे पहुंच जाऊंगा जी। गुड इवनिंग, गुड नाइट सर, गुड नाइट। अरे क्या भीड़ू, कल शाम को शेरटन होटल में जाने लाए, पर ये मुंह काय को लटका रहे लाए? मेरे दोस्त, मेरे मददगार, मेरे साथी। मतलब प्यार, क्या बात है? जाना है, मालूम है शेरटन जाना है? वो भी मालूम है। कपड़ों का बंदोबस्त तो तू कर ही देगा, लेकिन एक मर्सिडीज कार मिल जाए ना तो बस। नहीं नहीं हर चीज नहीं, मैं तेरे लिए बहुत भुगत चुका हूँ बस। मेरी जान? नहीं। मेरे प्यार? बिल्कुल नहीं। मेरे मददगार? नहीं। यस प्लीज। यस सेठ साहब अंदर है? नमाज पढ़ता है, तुम कौन हो? आप उनका नाम जिम्मी, जिम्मी बाटली वाला मैकेनिक। अपन सेठ जी का गाड़ी एक दिन भरे बाजार में 1 सेकंड का ना ठीक किया था, आज अपने को बहुत जरूरी काम है, सेठ जी को बोलो आप। कौन? जिम्मी? सेठ जी, सेठ जी। मेरे को पहचाने के नहीं? अरे पहचानूंगा कैसे नहीं, आओ अंदर आओ। आओ,
बैठो। नहीं सेठ जी, अपन गरीब आदमी है, अपने को खड़े रहने की आदत है, अगर मैं बैठ गया तो जिंदगी भर के लिए बैठ जाऊंगा। बैठो बैठो, मैरी चाय रहा भाई जिमी के लिए। चाय नहीं सेठ जी, अभी के अभी ईरानी के होटल से पानी कम चाय पी के आ रहा हूँ। सेठ जी चाय की जरूरत नहीं है, दरअसल कोई और चीज की जरूरत है मेरे को। क्या चीज की जरूरत है, कुछ पैसे वैसे चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं चाहिए, बात दरअसल ऐसी है। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या बात है? बात ऐसी है कि मेरा एक दोस्त जिगरी दोस्त चाह सेठ जी ने आज वो शादी बना रहा है। अच्छा? शादी तो बना रहा है सेठ जी, पर बात ऐसी है, अपन छोटे मोटे लोग हैं, छोटी मोटी खोले में रहते हैं, पर एक बहुत बड़ी सी तमन्ना बीच के अंदर आ गई है। कौन सी तमन्ना बीच में आ गई? सेठ जी वो जो मेरा जिगरी दोस्त है ना, जिंदगी में पहली बार शादी कर रहा है, ने कसम इस 36 नंबर के पाने की। मैं उसको बहुत बोला, बहुत समझाया, पर वो मानता ही नहीं है। ओहो, अगर वो नहीं मानता तो फिर चाहता क्या है भाई? चाहता क्या है भाई, चाहता क्या है? वो नहीं, उसकी माँ चाहती थी, उसकी माँ का दिल बहुत बड़ा था, ने उसके अंदर सेंसर हो गया। सेंसर हो गया? हाँ, आई एम सॉरी सर, उसके अंदर कैंसर हो गया, ने वो मर गई, ने मरते समय उसने आखिरी हिचकी ली, ने मेरे दोस्त का हाथ अपने हाथ में लिया, ने बोली कि प्रोमिस कर मेरे बच्चे, सब अपनी दुल्हन को डोली में लाते हैं, पर तू अपनी दुल्हन को ये चाली में मर्सिडीज गाड़ी में लेकर आना, ये बोलकर वो दुनिया पार करके चली गई सेठ जी। तुम रो क्यों रहे हो जमी, ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? सेठ जी खाली एक दिन के वास्ते अगर आपकी मर्सिडीज मिल जाए ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि उसके ऊपर एक लकीर पर नहीं आएंगी, न एक फकीर की तमन्ना पूरी हो जाएंगी, एक अमीर के सामने एक गरीब का अरमान है सेठ जी। इतनी सी बात है जिमी, तुम ले जाओ मर्सिडीज। चाबी किधर है? मैंने सब सुन लिया अंकल, गाड़ी नहीं मिलेगी, तुम जाओ। अंकल आप भी कमाल करते हैं, आपको मालूम है कि कल से मेरी गाड़ी गैराज में है, और आज मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए क्लब जाना है, अगर मैंने इस घोंचू को गाड़ी दे दी तो मैं कैसे जाऊंगी? मैडम मेरा नाम घोंचू नहीं है, मेरा नाम जिम्मी है। तुम्हारा नाम कुछ भी हो, आज तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी। गाड़ी नहीं मिलेगी, एक गरीब का दिल टूट जाएगा सेठ जी। ऐसा नहीं कहते, देखो बेटी मैं खुद भी गरीबी के दौर से गुजर चुका हूँ, और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब एक गरीब आदमी फुटपाथ पर लेटा हुआ होता है और उसके नजदीक से एक चमकती हुई कार गुजर जाती है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस कार के पहिए उसके दिल के ऊपर से गुजर गए हों। देखो बेटा, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, किसी चीज की तमन्ना करना कोई पाप नहीं है, और जरा एक मिनट के लिए सोचो बेटी कि अगर हम लोग अपनी झोली से कुछ खुशियां निकालकर इन गरीब लोगों में बांटते हैं, तो यकीन मानो इनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट आएगी वो हमारी सारी दौलत से बहुत ज्यादा कीमती होगी। अंकल कभी कभी तो आप इतने सीरियस हो जाते हैं कि मुझे डर लगने लगता है, आपको तो कोई फिलोसफर होना चाहिए था। जिंदगी ने मुझे जो कुछ दिया है बेटी, वही मैं वापस जिंदगी को लौटा रहा हूँ। कोई नई बात तो है नहीं? हाँ, नई बात तो तब होगी जब तुम आज टैक्सी से चली जाओगी।